वेलकम टू रैकअप एकेडमी। रैकअप एकेडमी में आपका स्वागत है। तो बेटा हम लोग जो था ये DSMS का बड़ा बच्चा को बिकॉज इसका पार्ट थ्री आके स्विच हो गया तो पार्ट फोर लेके आ रहे हैं DSMS का। जो भी आपका पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड और पार्ट थर्ड हो चुका है तो हम लोग का आज जो स्टार्ट होगा वो आपका पार्ट फोर। और पार्ट फोर्थ में रिविजन ज्वाइंट का अगला लेक्चर होगा जिसका नाम है फेलियर ऑफ। बिकॉज हमारा जो रिविट कनेक्शन लगाते हैं तो हो सकता है, बाय द वे थोड़ा सा मैं बताता हूँ। बाय द वे मेरे पास क्या है, सॉरी देखिएगा, बाय द वे मेरे पास एक प्लेट है बेटा। इस टाइप का मेरे पास एक प्लेट है और इस प्लेट में जब हम लोग कनेक्शन करेंगे ये रिविट का तो दो कंडीशन हो सकता है फेल का। हो सकता है रिविट खराब हो जाए, हो सकता है रिविट फेल हो जाए, फेल हो जाएगा। या दूसरा हो सकता है प्लेट आपका फेल हो जाए, मतलब या तो इसमें क्रैकिंग आ जाए या प्लेट या इस पर रिविट में आपका टूट जाए। तो चाहे रिविट टूटेगा चाहे प्लेट टूटेगा, दोनों में से कोई भी एक सिंगल टूट गया तो हमारा फेलियर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फेलियर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फेलियर हो जाएगा। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे फेलियर ऑफ रिविटेड ज्वाइंट या बोल्टेड का भी यही कॉन्सेप्ट होता है, बोल्टेड ज्वाइंट। तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फेलियर ऑफ रिविटेड ज्वाइंट और बोल्टेड ज्वाइंट। तो पुराना लेक्चर तो आप देखेंगे, बेसिक तो आपका कंफर्म हुआ होगा। तो थोड़ा सा देखते हैं कैसे फेलियर हो सकता है। तो मैंने आपको ये बता दिया कि मेरे पास बाय द वे ये एक प्लेट है, इसमें रिविट लगता है। अब चाहे रिविट टूट जाए और चाहे प्लेट का क्रैक हो जाए, दोनों में से अगर किसी का भी चाहे टूट जाए चाहे क्रैक हो गया, कोई भी एक हो जाएगा, तो उसको कहेंगे फेल हो गया। क्या हो जाएगा? कहेंगे हमारा जो कनेक्शन था, चाहे जो रिविटेड ज्वाइंट का जो कनेक्शन था वो फेल हो गया। तो दो ही तरीके से फेलियर हो सकता है, तो रिविट में डिस्टर्ब हो, टूटे फूटे जो भी हो, या तो प्लेट में टूटे फूटे। तो दो ही तरीके से आ जाते हैं, तो रिविट में कुछ खराबी होगा या प्लेट में खराबी होगा, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। तो हमारे पास जो है फेलियर ऑफ रिविटेड ज्वाइंट या बोल्टेड ज्वाइंट, इसमें देखिएगा जो होता है बेटा, एक एक करके हम लोग देखते हैं। पहले हम लोग रिविट में देख लेते हैं, किसमें देख लेते हैं, हम लोग रिविट में देख लेते हैं कौन कौन सा फेलियर हो रहा है। देखिएगा मेरे पास बाय द वे मैं एक जॉइंट बना ले रहा हूं प्लेट रख के, ये मेरे पास कोई जॉइंट है, लैप जॉइंट है, एक के ऊपर एक रखा हूं तीन प्लेट का। अब जाहिर सी बात है इसमें लोड का मैं कॉन्सेप्ट दिखाऊं, ये लोड पी लग रहा है और ये भी लोड इधर टेन साइन नेचर के है कि नहीं है। और जब मैं लोड लगाऊंगा, ये जो लोड लगेगा तो क्या होगा, ये इसको इधर खींचेगा, ये इसको इधर खींचेगा, तो हो सकता है इसमें स्लाइडिंग क्रिएट हो जाए। क्या स्लाइडिंग? स्लाइडिंग मतलब ये होता है मेरे पास ये दो प्लेट है, एक किधर खींचना चाह रहा है एक इधर, तो जब ए ऐसे होना चाहेगा ऐसे ऐसे, क्योंकि ये इधर जाना चाहेगा और ये इधर जाना चाहेगा, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, स्लाइडिंग की फिनोमिना स्टार्ट हो जाएगी। और जब ये स्लाइड करेगी तो जो इसमें रिविट होगा, इसमें क्या होगा, जो रिविट होगा देखिएगा, ये ब्रैक हो गया, टूट गया। क्या हो गया? ये टूट गया। देखिएगा इसका ये पार्ट इसी में रहेगा, इसका ये पार्ट इधर खींच लिया, ये पार्ट भी इधर खींच लिया, और ये फोर्स ये पार्ट को इस तरह खींच लिया, तो ये एक फेलियर हुआ। और फेलियर हुआ जो अपोजिट फोर्स लग रहा है उसके कारण स्लाइडिंग हो रहा है। स्लाइडिंग मतलब शेयरिंग एक्शन। क्या होता है? शेयरिंग एक्शन। तो ये जो पहला मेरा जो फेलियर है ये क्या है बेटा, क्या फेल हो रहा है? फेलियर ऑफ रिविट, रिविट फेल हो रहा है, इसमें रिविट टूट जा रहा है। किसके? ड्यू टू सीयर के कारण। ड्यू टू किसका? ड्यू टू सीयर के कारण हो जा रहा है, क्योंकि शेयरिंग के कारण क्या होगा बेटा, स्लाइडिंग होगा, और स्लाइडिंग के कारण इस टाइप का फिनोमिना होगा जिससे शेयरिंग एक्शन होगा, और शेयरिंग एक्शन से क्या होगा, रिविट के पार्ट हमारे टूटेंगे। देखिए ऊपर वाले प्लेट था रिविट यहाँ पे सेकंड वाले में, और ये रिविट इधर चली गई, तो ये हमारी देखिएगा यहाँ पे क्या हो जाएगी, ब्रेक हो गई। तो ये फर्स्ट टाइप का फेलियर है। क्या है ये? फर्स्ट टाइप का फेलियर है। और कैसा फेलियर है ये? शेयरिंग फेलियर है। किसका? रिविट। तो अगर रिविट फेल हो गया, तो ये रिविट अगर फेल हो गया तो प्लेट हमारा फ्री हो जाएगा। जब प्लेट फ्री हो जाएगा तो कहीं ना कहीं हमारा जॉइंट तो है नहीं, जॉइंट तो फेल ही हो गया हमारा। ये पहला टाइप का फेलियर है। सेकंड हम लोग देखते हैं, देखिए
इसमें आपको देखने से जैसे लग रहा है, इसमें क्या हो जा रहा है, प्लेट ही हमारी फट जा रही है। प्लेट क्या हो जा रही है, हमारी फट जा रही है। ये फिनोमिना कब होता है, बाय द वे देखिएगा, इसमें मैंने क्या मारा बेटा, इसमें मैंने रिवेट मारा, ये इस टाइप का रिवेट है, और इसको इधर से लोड लग रहा है, टेंसाइल इधर से लोड लग रहा है, तो हमारा टूटना क्या चाहिए, रिवेट टूट जाए भाई, रिवेट टूट जाए ना, अगर कमजोर बनाएंगे तो रिवेट टूट जाएगी, तो रिवेट टूट जाएगी भाई, जो लोड बढ़ाया और टूटना चाहे तो एक प्लेट को टूटने की पॉसिबिलिटी है, एक रिवेट की टूटने की पॉसिबिलिटी है। जब मैंने लोड बढ़ाया बहुत ज़्यादा तो क्या हुआ बेटा, रिवेट टूटना चाहिए, और रिवेट अगर टूट जाती है तो हम नया रिवेट दूसरा ला के इसमें दूसरा वाला ला के लगा देते, हमारा प्लेट सेफ हो जाता है कि नहीं है। लेकिन क्या होता है कि जो इसमें क्या होता है, जो स्ट्रेंथ होती है किसकी, रिवेट की, अगर ज़्यादा हो जाए किसकी, किसकी स्ट्रेंथ से, प्लेट की, किसकी स्ट्रेंथ से बेटा, प्लेट की स्ट्रेंथ से ज़्यादा हो जाए, तो जाहिर सी बात है इसके रिविट हमारा ज़्यादा मजबूत है, प्लेट हमारा स्ट्रेंथ उसकी कम है, कमजोर है, तो जब लोड लगाएंगे तो प्लेट ही क्रैक हो जाती है। ऐसे लोड लगाएंगे जब इसमें इस तरीके से बेटा, इस तरीके से, तो ये देखिए इस तरीके से क्या हो जाएगा, ये टूट जाएगा, क्रैकिंग हो जाएगी, किसमें, प्लेट में, किसमें क्रैकिंग हो जाएगा, प्लेट में क्रैकिंग। और ये क्रैकिंग आई कब, जब रिविट की स्ट्रेंथ ज़्यादा हो किससे, प्लेट की स्ट्रेंथ से। तो ये इसका क्या नाम है, इसका जो नाम है फेलियर ऑफ प्लेट, और फोर्स कारण तो ड्यू टू टियरिंग या टेंसाइल, जो भी लिख दीजिए वो, ये हो गया, मतलब फट गई, क्या हो गए हमारा, कैसे होगा, ये प्लेट हमारी टियरिंग माने फटना होता है, कटना फटना, तो फट गई कैसे, फट गई क्या, प्लेट, मेरी बात समझ रहे। तो अब ये हुआ क्यों, ये भी मैंने बता दिया, कारण भी सबका जाने रहिएगा। तो ये हमारा रिविट फेल हुआ, पहला सीयर के कारण, दूसरा मेरा प्लेट ही क्रैक कर गया, रिविट नहीं, प्लेट ही क्रैक कर गया, इसलिए गया क्योंकि प्लेट हमारी कमजोर बनी थी और हमारी टियरिंग की फिनोमिना हो गई या टेंसाइल की फिनोमिना हो गई, ये दूसरा फेलियर है। तीसरा फेलियर देखिएगा बेटा, तीसरा फेलियर मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ, ये बस छोटी प्लेट हो गई, प्लेट ये मायदे मेरे पास है, दूसरा लेता हूँ, ये प्लेट है और ये मैं होल कर दिया और लगातार दोनों फोर्स लगाया, तो ये प्लेट क्या करेगा बेटा, बराबर इसके, ये प्लेट का जो एज होगा यहाँ पे, देखिए सॉरी, प्लेट का जो होल है वो बराबर किसके कांटेक्ट में आएगा, बराबर किसके कांटेक्ट में आएगा, इस रिविट के कांटेक्ट में, तो रिविट के कांटेक्ट बार बार आते आते क्या होता है, रिविट भी क्या होता है, इसका सरकमफेरेंस जो होता है, आधा सरकमफेरेंस, हाफ सरकमफेरेंस क्या होता है, डिस्टर्ब हो जाता है, टूट जाता है। ठीक है, समझ में आया होगा, मैं सारा तरीके से बता दिया, इसलिए बाय द वे इस टाइप का आपका रिविट है ये, तो ये सरफेस जो रिविट का हमेशा टच में रहता है प्लेट के, तो ये क्या हो जाता है बेटा, ये हल्का सा पार्ट इसका उड़ जाता है, ये पार्ट उड़ जाता है, हाफ सर्कमफेरेंस क्या हो जाता है, उड़ जाता है, और इस टाइप की फेयरिंग जो बोलते हैं बेयरिंग फेलियर इन रिविट। समझ में आ गया होगा, रीजन क्या है, बराबर उसके कॉन्टैक्ट में रहना, क्या करना, बराबर उसके प्लेट के कॉन्टैक्ट में रहना के कारण क्या आ जाता है, बेयरिंग फेलियर इन प्लेट। ये बात समझ में आ गई, तो तीन फेलियर आपको समझ में आ गया, दो रिविट का, एक किसका, प्लेट का। फिर चौथा हमारे पास फेलियर है, ध्यान दीजिएगा, चौथा और ये पांचवा और ये छठवां, तीनों जो फेलियर मैं बता रहा हूं एक ही के कारण होता है, ये जो तीनों फेलियर है बेटा, ये तीनों फेलियर है इसका एक ही रीजन है, क्या, ड्यू टू, क्या लिख दें, लैक ऑफ प्रॉपर एज डिस्टेंस। एज डिस्टेंस क्या होता है, एज डिस्टेंस ये होता है कि ये मेरा प्लेट है, ये एज के माने किनारा होता है, इससे अगर सटा के यहाँ पे रिविट मारोगे ना तो यहीं पे किनारे होके क्रैकिंग हो जाती है। कहने का मतलब, जब रिविट मारी जाती है प्लेट के किनारे से थोड़ा हटके, इसको कहते हैं मिनिमम एज। तो जब हम लोग एक मिनिमम एज होता है, हमने क्लास में प्रीवियस वाले में बताया, जब वो मिनिमम एज से भी कम एज पे मार देते हैं, तो ये तीन टाइप का हमारा जो हमारा रिविटेड जॉइंट है फेल हो जाता है। ये तीनों जो मैं बताने जा रहा हूँ इसका एक ही रीजन, लैक ऑफ प्रॉपर एज डिस्टेंस। कैसे, किस किस टाइप का क्रैकिंग होती है देखते हैं,
एक इस टाइप की क्रैकिंग हो जाती है। इस टाइप में क्रैकिंग क्या होती है, जब आप ये लोड लगाते हो बेटा ना, क्या हुआ लोड लगाए तो ये क्या होता है रिविट लेके उखड़ जाती है, ठीक है। रिविट क्या हो गई, प्लेट के साथ क्या करेगा चला जाएगा, ये पहली कंडीशन हो जाती है। रीजन वही है लैक ऑफ प्रॉपर रेजिस्टेंस। दूसरा कंडीशन कैसे बन सकता है, रिविट देखिएगा ये लोड, रिविट तो अंदर ही रहेगा बट ये पोर्शन जो है ना, ये पोर्शन जो है ना, ये लोड क्या करेगा लेके चला जाता है। जब यहां पे हम लोग प्रॉपर रेजिस्टेंस नहीं देते हैं तो ये लोड जो होता है इतना प्लेट क्या होता है अपने साथ उखाड़ के लेके चला जाता है। इसका भी वही रीजन है कि रिविट को हमने एज के बहुत किनारे मार दिया, इसमें भी ये रीजन था, रिविट जो होता है एज के बहुत किनारे मार दिया। तीसरा देखते हैं हम लोग, सॉरी जो छठवां हमारा और हम लोग का लास्ट है, अभी नामिंग नेमिंग बताइए। इसमें भी क्या हो रहा, देखिए एसी किनारे मार दूंगा तो क्या करेगा बेटा, इस तरीके से क्या करेगा, ये जो मेरा ये जो मैं यहां पे लोड लगाऊंगा ना, लोड लगाऊंगा ये लोड, तो ये हमारा रिविट जो होता है ना, ये सारे इस जो प्लेट का ये पोर्शन है इसको ढकेलेगा कि ये फोर्स लेक भाग जाए, मेरे समझ रहे हैं। तो इस तरीके से फेल होगा ये, इसको पुश करता है सारे रिविट को इस टाइम इस डायरेक्शन में। तो इस तीनों का नाम क्या है ये चीज हम लोग देख लेते हैं। इसका जो नाम है बेटा शेयरिंग फेलियर ऑफ प्लेट, प्लेट का इसका है स्प्लिटिंग फेलियर, स्प्लिटिंग फेलियर ऑफ प्लेट। इसका नाम है बेयरिंग फेलियर ऑफ प्लेट। इस छह टाइप का मेरा फेलियर जनरेट होता है या ऐसा घटना घटित होता है छह टाइप का फेलियर, किसमें रिविटेड ज्वाइंट या बोल्टेड ज्वाइंट में, और इसमें से दो क्या है आपका रिविट में फेलियर की पॉसिबिलिटी होती है, और चार आपका क्या है आपका प्लेट का फेल होने की डिस्टर्बेंस, चाहे रिविट फेल हो या प्लेट फेल हो, दोनों में से कोई भी एक फेल हो जाएगा तो पूरा ज्वाइंट हमारा फेल हो जाएगा, इसीलिए ज्वाइंट के अंदर प्लेट रिविट सारे की बात किया गया। और इस तीन टाइप का चौथा पांचवा और छठवां, ये तीन टाइप के फेलियर जो है बेटा ना, इसमें अगर हम लोग प्रॉपर एज डिस्टेंस दे दें, क्या दे दें प्रॉपर एज डिस्टेंस दे दें, प्रॉपर एज डिस्टेंस दिए जाए तो इससे क्या किया जा सकता है, इस तीनों फेल से क्या किया बचा जा सकता है, मैं समझ रहे हैं कैसे कहते हैं। अगर हम लोग प्रॉपर एज डिस्टेंस दे देना, प्रॉपर डिस्टेंस क्या होता है हम लोग प्रीवियस लेक्चर में भी देखे हैं, अभी भी बता दिया था आपको आराम से, तो इस तीनों फेलियर से बचा जा सकता है। तो हम लोग क्या करते हैं इस टाइम डिजाइन करते हैं तो प्रॉपर एज डिस्टेंस दे देते हैं तो हमारे दिमाग में इस तीनों फेलियर जो होते हैं वो तुरंत सही हो जाता है कि इससे तो नहीं फेल होगा, बिकॉज अपन लोग क्या किए प्रॉपर एज डिस्टेंस दे दिए, अपन लोग क्या किए प्रॉपर एज डिस्टेंस दे दिए, इसलिए हमें इस तीनों फेलियर से डरने घबराने की कोई बात नहीं। फिर आपके दिमाग में आ रहा होगा सर अब इसके लिए क्या करेंगे, हाँ तो अब इस तीनों के लिए हम लोग क्या करते हैं डिजाइन करते हैं, इस तीनों के लिए हम लोग क्या करते हैं डिजाइन करते हैं, इस तीनों पॉइंट के लिए अपन लोग डिजाइन करते हैं। और वही जो तीनों की जगह की तीनों को हम लोग कोई एक चीज दे के हम लोग तीनों को हटा नहीं सकते इसको, तो इसीलिए इस तीनों के बिहाव पे आपको पढ़ाया जाता है, वो चाहे आप डिप्लोमा बीटेक इंजीनियर एसएससी जेई गेट ईएससी सारे जो इतने भी स्टूडेंट होते हैं, इस तीनों के बिहाव पे हमको क्या किया जाता है स्टडी किया जाता है, या मेरा जो क्योंकि इसमें दो रिविट है और एक क्या है आपका प्लेट, क्योंकि दो रिविट फेल और एक क्या रहा है प्लेट फेल हो रहा है, तो इस तीनों के कंडीशन हम लोग स्ट्रेंथ देखेंगे, क्या देखेंगे स्ट्रेंथ देखेंगे। जैसे इसकी स्ट्रेंथ निकालनी है शेयरिंग मतलब हमारा स्ट्रेंथ ऑफ रिविट इन शेयरिंग में, स्ट्रेंथ ऑफ रिविट इन बेयरिंग में देख लेंगे, अभी फॉर्मूला होगा इस तीनों के बिहाफ पे, और स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट इन टियरिंग में, अभी इस तीनों को अपन लोग क्या करेंगे बेटा देख लेंगे, तो जो सबसे इसमें से कम होगा और वही कमजोर होगा वहीं से टूटने का खतरा होगा, तो इस तीनों में जो मिनिमम होगा वही हमारा सेफ कह सकते हैं कि सेफ होगा या सेफ बनाया जा सकता है, क्योंकि जो सबसे मिनिमम होता है उसी के बेसिस पे क्या किया था डिजाइन किया जाता है। तो अपन लोग क्या कर रहे हैं चल रहे हैं इसको इसको और इसको, इसी तीनों को हम लोग पढ़ते हैं और यही तीनों हम लोग के सिलेबस में है भी। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा बताइए, मेरी बात समझ रहे हैं। आगे चलते हैं इस तीनों के भी आप पे ये और ये इसको पढ़ते हैं तीनों को, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, बेस्ट एकदम।
वीडियो अगर किसी का लेट होता है तो आप लोग रिकमेंड कर दिया करिए, तो फिर आप लोग को जल्दी मिल जाएगा। देखिएगा अब हम लोग क्या करते हैं बेटा, तीन को तो हम लोग प्रॉपर एक डिस्टेंस लगा लिए तो अब उन लोग का सही हो गया, बट हमारा तीन के लिए हमें डिज़ाइन करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग डिज़ाइन करेंगे सीयर के लिए, स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट इन सीयर, इन सीयर स्ट्रेंथ ऑफ रिविट इन सीयर, मतलब सीयर के कंडीशन में हमारा इस रिविट का कितनी ताकत है, कितनी स्ट्रेंथ है, उसको निकालने चल रहे हम लोग। तो उसके लिए हमारे पास दो कंडीशंस हैं, क्योंकि दो है, एक हमारे पास क्या होता है देखिएगा, एक हमारा लैप जॉइंट होता है, एक हमारा होता है बट जॉइंट, ये आप जानते ही हो, एक हमारा होता है लैप जॉइंट और एक हमारा होता है बट जॉइंट। लैप जॉइंट का सिस्टम कुछ इस तरीके से होता है, ये रिवेटिंग कर देता हूं इस तरीके से। हमारा बट जॉइंट में भी दो होते हैं, एक अपन लोग क्या किए सिंगल कवर लगा लिए, एक अपन लोग क्या किए डबल कवर लगा लिए, ये हमारा ये क्या है हमारा बट जॉइंट सिंगल कवर, ये हमारा क्या है बट जॉइंट डबल कवर, ये हमारा क्या है लैप जॉइंट, क्या है लैप जॉइंट। अब ये सिंगल रिवेट है वो जाने रहिएगा, सिंगल रिवेट, और इसमें भी क्या आपका सिंगल रिवेट, और ये भी क्या आपका सिंगल रिवेट। थोड़ा सा देखिएगा इसको, समझिएगा बढ़िया से। अब शेयरिंग में क्या होता था, रिविट हमारी टूट जाती थी, तो जब ये लोड ज़्यादा बढ़ेगा इधर से खींचेगा ये इधर खींचेगा, तो ये पोजीशन कुछ इस टाइप का, जब स्लाइडिंग होगी तो ये रिविट खसक के मेरी यहाँ पे आ जाएगी, इस टाइप का हो जाएगा। मैं अभी पहले ही तो आपको बताया था, मैंने पहले भी तो बताया था। अब इधर देखिएगा, इसमें शेयरिंग के लिए कितना प्लेन मिल रहा है, कितना प्लेन मिल रहा है देखिएगा, सिर्फ एक ही प्लेन, इसी प्लेन पे तो सरक के टूट रहा है, तो ये क्या है आपका सिंगल शेयर है, क्या आपको सिंगल सीयर है। अब इधर देखिएगा, जब ये रिवेट टूटेगा तो सिर्फ इसी प्लेन से सरक के टूटेगा बेटा इसी, तो ये भी आपका क्या है सिंगल सीयर है। लेकिन ये जब टूटेगा तो इसका नीचे वाला भी कवर प्लेट है, तो एक प्लेन इसको यहां पे स्लाइडिंग का मिल जाएगा, एक प्लेट यहां पे ये स्लाइडिंग कर सकता है, तो ये क्या हो जाएगा दो प्लेन सरकने के लिए स्लाइडिंग के लिए हो जा रहा है, तो ये क्या होगा आपका डबल सीयर, क्या होता है डबल सीयर। यहां से एक क्वेश्चन बनता है, आप कहोगे सर स्ट्रेंथ है फॉर्मूला लिखाइए, इसको थोड़ा समझ लीजिए बिकॉज जेई में बहुत ज्यादा आते हैं, ठीक है एक बार में सारा चीज कर लीजिएगा। यहां से मैं क्या कह सकता हूं कि लैप जॉइंट जो हमेशा होता है हमेशा सिंगल सीयर होते हैं, क्या होता है हमेशा सिंगल सीयर होते हैं, लैप जॉइंट हमेशा सिंगल सीयर होता है, लेकिन बट जॉइंट सिंगल सीयर हमेशा नहीं होता है। बट जॉइंट दोनों हो सकता है, सिंगल सीयर भी रख सकता है और डबल सीयर भी रख सकता है। बात मेरी समझ आ रही है, क्वेश्चन आता है आप एससी 2015 का क्वेश्चन उठा के देख लो, यही पूछा था, इसमें बहुत अच्छे उसमें मोर देन वन ऑप्शन बनाया था और बेहतरीन क्वेश्चन पूछा था, जो बता रहा हूँ उसको बहुत ध्यान से देखा करो। ये क्वेश्चन था कि जो लैप ज्वाइंट है ना, क्या जो लैप ज्वाइंट है वो क्या है आपका सिंगल सीयर हमेशा होता है, ऑलवेज ऑलवेज, लेकिन आपका बट जॉइंट होता है सिंगल सीयर भी हो सकता है डबल सीयर भी हो सकता है। डबल सीयर कब होगा जब डबल कवर होगा, सिंगल सीयर कब होगा इसके अंदर का जब आपका सिंगल कवर होगा, तो ध्यान दीजिएगा। लैप जॉइंट हमेशा क्या होता है सिंगल सीयर होता है, लेकिन बट जॉइंट के बारे में ऐसा नहीं कह सकते हैं, सिंगल सीयर भी हो सकता है डबल भी सीयर, वो डिपेंड करेगा कवर प्लेट, डबल कवर प्लेट तो डबल सीयर, सिंगल कवर प्लेट तो सिंगल सीयर, इतना चीज आई होप आपको नॉलेज हो गया होगा। चलिए देखिएगा अब कैसे स्ट्रेंथ फाइंड आउट करेंगे यार, स्ट्रेंथ ऑफ रिविट इन सीयर में कैसे निकालेंगे, तो अपन लोग क्या कर लेते हैं इसके लिए दो पैटर्न्स हैं, मैं इसको रफ कर देता हूं फिर आगे चलता हूं। देखिएगा बेटा ओके, अब शेयरिंग में दो आ जा रहा है सिंगल सीयर और डबल सीयर, तो अपन लोग का क्या होगा फॉर्मूला भी बदल जाएगा सिंगल सीयर और डबल सीयर के लिए। देखिएगा अब स्ट्रेंथ लिख रहा हूं तो सबसे पहले किसका लिख रहा हूं सिंगल सीयर का लिख रहा हूं, किसका लिख रहा हूं सिंगल सीयर का सबसे पहले लिख रहा हूं। अब देखिए सिंगल सीयर में स्ट्रेंथ कितनी होती है किसकी, उस रिविट की सीयर की कंडीशन में स्ट्रेंथ कितनी होती है, तो पी एस इक्वल टू पाई बाई फोर डी स्क्वायर इंटू एम इंटू टाउ,
ये होता है सिंगल सीट कंडीशन से। अब कहोगे सर टर्मिनोलॉजी, देखो ये बेटा जो पीएस है ना आपका, ये परमिसिबल स्ट्रेस है। किसी में बता दूंगा कल परमिसिबल क्या होता है, ये परमिसिबल स्ट्रेस है, परमिसिबल या वर्किंग स्ट्रेस भी बोलते हैं इसको, वर्किंग स्ट्रेस इन सीयर, सॉरी ये आपकी क्या है, सीयर स्ट्रेंथ है। ये क्या है आपको, सीयर स्ट्रेंथ है कि रिविट हमारी सीयर के कंडीशन में कितनी स्ट्रेंथ रखती है। डी क्या है, यहाँ पे एक्चुअली डी नहीं, यहाँ पे डी डैश एक यूज होगा, क्या हो यूज होगा बेटा, डी डैश यूज होगा। डी डैश क्या है, देखिए डी डैश जो होता है डी प्लस, अब यहाँ पे दो कंडीशन हो, 1.2 कुछ याद आया होगा और 2, ये 1.5 mm, सॉरी 1.5 mm और 2 mm, ये तब होता है। अब यहाँ पे डी क्या है ये जान लो यार, डी आपका नॉमिनल डायमीटर होता है, क्या होते हैं नॉमिनल डायमीटर आपके, जब न्यूमेरिकल्स में दिया जाएगा तो डी डैश यहाँ पे रखना रहता है न्यूमेरिकल्स में, लेकिन आपके एग्जाम में डी डैश डायरेक्ट नहीं दिया जाता है, नॉमिनल डायमीटर दिया जाता है। तो नॉमिनल डायमीटर जब मिलेगा तो वहाँ पे डेढ़ जोड़ सकते हैं, दो जोड़ सकते हैं। अब वो डेढ़ कब जोड़ेंगे, दो कब जोड़ेंगे, आप जानते हो जब डी की वैल्यू लेस देन और 25 mm हो इक्वल टू, तो आप डेढ़ जोड़ेंगे, और जब आपकी डी की वैल्यू जो होगा ना आपका 25 mm से ज़्यादा होगा तो आप क्या करोगे उस पर 2 mm जोड़ोगे। ये आपको मालूम होगा, मैं पहले भी बता चुका हूँ। तो यहाँ और ये डी आपका, डी तो नॉमिनल डायमीटर है बट आपका डी डैश क्या है, तो जो आपका डी डैश है बेटा उसको बोलते हैं ग्रॉस डायमीटर, सारा बता चुका हूँ। ये क्या आपका ग्रॉस डायमीटर, तो हमको पीएस मालूम हो गया, सेल स्ट्रेंथ, डी डैश मालूम हो गया, ग्रॉस डायमीटर, एंड जो है बेटा उसको बोलते हैं नंबर ऑफ रिविट, नंबर ऑफ रिविट, कितना रिविट आपने उस प्लेट पे क्या किया है, लगाया है। उसके बाद एक टाउ आ गया, टाउ को ही बोलते हैं परमिसिबल या वर्किंग, परमिसिबल या वर्किंग सीयर स्ट्रेस ये बोला जाता है आपको। परमिसिबल वर्किंग सीयर स्ट्रेस क्या होता है, जिस स्ट्रेस पे हमें इंजीनियर बोलता है कि इतने पे आपको काम करना है, वो परमिसिबल या वर्किंग स्ट्रेस फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगाने के बाद का स्ट्रेस आता है। इंजीनियर फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगाने के बाद आप कंस्ट्रक्शन पे जो स्ट्रेस देता है उसको बोलते हैं वर्किंग, तो ये परमिसिबल है वर्किंग सीयर स्ट्रेस। मेरी बात समझे, किसी लेक्चर में हम लोग इस पर डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन ये जेई का क्वेश्चन है, ध्यान देना कि परमिसिबल स्ट्रेस को क्या वर्किंग स्ट्रेस भी कहते हैं। हाँ, ये आसान चीज़ है, क्या है हम लोग देख लेते हैं, ठीक है, देख लेंगे किसी क्लास में। तो हम लोग को यहाँ पे सीयर आपका सीयर स्ट्रेंथ निकल जाएगा यहाँ पे, लेकिन ये सिंगल सीयर के लिए है, लेकिन अगर अपन लोग डबल सीयर के लिए निकालें, किसके लिए, अगर अपन लोग डबल सीयर के लिए निकालें तो डबल सीयर के कंडीशंस में क्या है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं, सीयर स्ट्रेंथ पाई बाई 4 डी डैश स्क्वायर रहेगा ही, ठीक है, इंटू एन रहेगा नंबर ऑफ, और टाउ रहेगा ही, लेकिन क्या होगा बेटा ये डबल सेयर के लिए यहाँ 2 से मल्टीप्लाई हो जाता है। डबल सेयर के लिए क्या हो जाता है, यहाँ से यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो जब आप सॉल्व करेंगे तो वहाँ आप जरूर, वो देखो इस तरीके से कहता है डबल रिविटेड डबल कवर प्लेट, तो जब डबल रिविटेड कहेगा तो एन बराबर आपका 2 हो जाएगा, डबल कवर बट ज्वाइन करेगा, जब डबल कवर कहेगा तो समझ जाएंगे डबल कवर मतलब क्या होगा, क्या क्या बेटा, डबल सेयर, क्या हो जाएगा डबल सेयर, डबल कवर माने डबल सेयर। तो ये फॉलोअप फार्मूला लगाना है ना कि ये लगाना, ये बात बेटा आप पकड़िएगा, नेक्स्ट में मैं क्वेश्चन आंसर सेशन लाऊंगा, इसे आपको क्वेश्चन से भी कराऊंगा। तो बेटा सेयर की कंडीशन में 2 होता है, सिंगल सेयर है डबल सेयर, कैसे पहचानेंगे मैंने बता दिया, वो नाम लेगा लैब जॉइंट, लैब जॉइंट है तो हमेशा सिंगल सेयर उठा के पटक के मार के चले जाना खटाक से, नो प्रॉब्लम, कोई गलती नहीं होगा। बट जॉइंट में ध्यान देना, बट जॉइंट में वो सिंगल कवर लगा रहा, तो ठीक है मेरी बात में समझ रहे, तो ध्यान देना आपका, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है, आ रही कि नहीं आ रही है, ठीक है। तो डबल कवर प्लेट के लिए क्या हो जाएगा बेटा, डबल सेयर के लिए क्या हो जाएगा, आपको 2 से क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, रफ करूँ, और कैसे सिंगल सेयर डबल सेयर पहचानना अभी मैंने प्रीवियस में बता दिया, समझ में आएगी नहीं है, चलो रफ करूँ। चलिए तो ये आपका क्या था, मैंने एक निकाल लिया स्ट्रेंथ, किस में बेटा किस में निकाल लिया स्ट्रेंथ बताओ लोगों, हम लोग ये स्ट्रेंथ निकाल लिए सीयर के कंडीशंस में। अब आप कहोगे सर जी चलिए 3 तो हम लोग प्रॉपर एज दे के खत्म कर दिए थे, 3 फेलियर, एक फेलियर के बारे में और नॉलेज हो गया कि इसकी स्ट्रेंथ, जब हमें पता चल जाएगा रिविट कितनी स्ट्रेंथ है सीयर के कंडीशन में तो हम ऐसा डिजाइन करेंगे उससे ज्यादा लगे ही ना, सब तो सेफ हो सकता है ना। चलिए दूसरा था हमारा स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट, स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट इन टीयरिंग, टीयरिंग या टेंसाइल के करस्पॉन्डिंग जो भी,
ठीक है, क्योंकि हमारा दूसरा तो यही था, आप प्रीवियस अगर देखिएगा तो इसमें कितनी स्ट्रेंथ होती है टेयरिंग या प्लेट पर। टूटा तो था लेकिन टूटने से पहले कुछ तो उसकी टूटने जस्ट पहले कुछ तो स्ट्रेंथ रही होगी ना, वो स्ट्रेंथ कैसे फाइंड आउट करेंगे, ध्यान दीजिए। तो पी टी इक्वल टू कैसे पी माइनस डी डैस इंटू टी इंटू सिग्मा टी, ये होता है। अब ये पी टी क्या आपका, ये आपका टेंसाइल या टेयरिंग स्ट्रेंथ है, टेंसाइल स्ट्रेंथ है, ठीक है। ये पी क्या है बेटा आपका, ये आपका पिच है, पिच क्या होता है आपको मालूम है। डी डैश क्या है, ग्रॉस डायमीटर, लेकिन न्यूमेरिकल्स में दिया जाएगा डायरेक्ट नहीं, क्या दिया जाएगा नॉमिनल डायमीटर। तो उसमें क्या जोड़ेंगे, डेढ़ या दो एमएम, कब जोड़ेंगे डेढ़ एमएम का, 25 या 25 से कम, 25 से ज्यादा होगा दो जोड़ेंगे, ठीक है। और बेटा टी क्या है आपका, थिकनेस ऑफ प्लेट, थिकनेस ऑफ प्लेट। ये सिग्मा टी क्या है, परमिसिबल या वर्किंग टेंसाइल स्ट्रेस। ये क्या हो गया बेटा, आप निकाल लिए किसका, आप स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट ऑफ टेयरिंग है टेंसाइल। लेकिन अगर इसी टेंसाइल का अगर वो डायमंड रिविटिंग है तो कैसे निकालोगे, देखिएगा अगर रिविटिंग आपका इस तरीके से डायमंड है, ये डायमंड रिविटिंग भी हम लोग अच्छे से देख चुके हैं, डायमंड शेप का ये, इसको वन वन मान लो, टू टू, थ्री थ्री, फोर फोर, फाइव फाइव। अगर अलग अलग हम लोग सेक्शन पे टेंसाइल स्ट्रेंथ मालूम करना चाहें, जैसे देखिएगा पी टी वन मालूम करना चाहें, पी टी वन में क्या होगा, ये एक ही होल है ना बेटा, इसकी कुछ इसकी विड्थ होगी, इसकी डब्लू है कि नहीं है, तो डब्लू माइनस, अब ये कितना डायमीटर है बेटा, मेरी बात समझ रहे, कितना होल है एक, तो यहाँ पे एक डी लगा देंगे टी टैस, ठीक है। उसके बाद फिर टी और फिर सिग्मा टी, ये हो जाएगा इस तरीके से। सेकंड अगर पी टी टू, मतलब इस टू सेक्शन पे टेंसाइल स्ट्रेंथ निकालो तो कितने हमारे पास होल है, दो, तो क्या हो जाएगा डब्लू माइनस टू डी टैस टी इंटू सिग्मा टी हो जाएगा। थ्री थ्री सेक्शन पे निकालो बेटा तो कितने होल है, तीन पी टी टू, तो क्या हो जाएगा डब्लू माइनस टू डी टैस टी इंटू सिग्मा टी। अब डब्लू कह रहा हो सर, ये बेटा विड्थ ऑफ प्लेट है, विड्थ ऑफ क्या है प्लेट है, और डी डैश जानते ही हो, टी जानते हो, सिग्मा टी ही जानते हो। तो कभी कभी एग्जाम में डायमंड रिविटिंग जैसे गेटवेट का क्वेश्चन पूछता है तो उसमें ये बेटा इसका स्कोप रहता है। यहां पे बताया था ये मिनिमम, ये वीकनेस बनाया था इसकी स्ट्रेंथ, मिनिमम वीक, सबसे ज्यादा वीक यही होता है, मिनिमम स्ट्रेंथ रखा था, सबसे ज्यादा वीक यही होता है, यहीं से क्रैक होता है, सबसे ज्यादा इफिशियंट भी होता है, कम रिविटिंग में ज्यादा स्पेस घेर लेता है। तो पुराने लेक्चर में मैंने डिफाइन कर दिया, तो मैं ये बता दिया कि भैया टीयरिंग के कंडीशन में प्लेट की स्ट्रेंथ कितनी होगी, चाहे आप चेन रिविटिंग है तो आसानी से निकाल लीजिए, डायमंड रिविटिंग है तो आप यहां से फाइंड आउट कर सकते हैं। आई होप आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और प्रॉब्लम होगी तो मेरे को कमेंट करके जरूर बताइएगा, लेकिन कमेंट कोई दिक्कत नहीं होगी आई होप। तो ये क्या हो जाएगा, स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट इन टीयरिंग या टेंसाइल में, यहां से आप फाइंड आउट कर सकते हो। तो अब कहोगे सर जी तीन तो हम लोग ऐसे दूर कर लिए, दो तो आप बता दिए, इस शेयर के कारण रिविट में कितनी स्ट्रेंथ होगी और टीयरिंग के कारण उस प्लेट में कितनी स्ट्रेंथ होगी। आपके दिमाग में आ रहा सर अभी एक छूट रहा है, आपने बोला क्या, मैंने बोला क्या छूट रहा है, तो आपने बोला कि सर बेयरिंग के कारण जो रिविट टूट रही थी उसके पहले भी स्ट्रेंथ होगी, तो बेयरिंग के कारण भी आपके रिविट में स्ट्रेंथ होगी, ठीक है। तो वही हम लोग देख लेते हैं, इसको रफ करूं बेटा, रफ करते हैं, देखिएगा आप किस किस स्ट्रेंथ देखेंगे रिविट की, स्ट्रेंथ ऑफ रिविट इन बेयरिंग, या कभी कभी इसको क्रैशिंग भी बोल देते हैं, बेयरिंग या क्रैशिंग। कैसे निकालेंगे यार, रिविट की कुछ ना कुछ स्ट्रेंथ तो होगी, और बेयरिंग क्रैशिंग के कंडीशंस में हम लोग कैसे उसकी स्ट्रेंथ को फाइंड आउट करेंगे, किसकी रिविट की स्ट्रेंथ को कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये हमारा क्वेश्चन है। तो बेटा देखिएगा कैसे फाइंड आउट करते हैं, पी बी लिख दे रहा हूँ बिफोर बेयरिंग, या फिर पी सी क्रशिंग, तो क्या होगा आपका डी डैश टी इंटू सिग्मा बी या सी इंटू एन, ये होता है आपका ग्रॉस डायमीटर। यहाँ पर बी या सी क्या है आपका, परमिसिबल या वर्किंग बेयरिंग या कंप्रेसिव बेयरिंग या क्रशिंग स्ट्रेस है, एंड नंबर ऑफ रिविट सर एंड टी थिकनेस ऑफ प्लेट डी ग्रॉस डायमीटर ऑफ रिविट, और पी डी सी क्या है आपका
जो मेरा कौन सा स्ट्रेंथ है, ये स्ट्रेंथ बियरिंग स्ट्रेंथ, बियरिंग या क्रैशिंग स्ट्रेंथ है ऑफ रिविट, रिविट का यहां से हम फाइंड आउट कर सकते हैं आसानी से। डी डैश टी सिग्मा बी ऑब्लिक सी या बेरिंग या क्रॉसिंग इनटू एन, यहां से हम लोग क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, ये बता सकते हैं कि रिविट जो भैया ना बियरिंग में इतना सह सकता है, इतनी स्ट्रेंथ है इसके अंदर, इतनी स्ट्रेंथ है, इससे ज्यादा लगाओगे तो टूट जाएगा। ये जो सारी स्ट्रेंथ ये बता रही है कि यहां तक हम पहुंच सकते हैं, इससे ज्यादा लगाओगे तो ये टूट जाएगा। समझ में आएगी नहीं है, चलिए ठीक है, कर लीजिए कर लीजिए कर लीजिए। तो फिर आगे चलते हैं, ग्राफ करूं, चलिए ये तीनों स्ट्रेंथ हम लोग निकाल लिए, तीन स्ट्रेंथ मेरे पास तो आसानी से क्या हुआ निकल गया बेटा। अब मैं एक ऐसी प्लेट की स्ट्रेंथ निकालने जा रहा हूं जिस प्लेट में रिविट लगी ही ना हो, एकदम सॉलिड प्लेट, उसमें रिविट ना लगी हो, स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट, सॉलिड प्लेट या इसको कह सकते हैं विदाउट रिविटिंग, स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट या कह सकते हैं विदाउट रिविटिंग, कोई रिविट नहीं लगाया, रिविट नहीं लगाया तो ग्रॉस डायमीटर का बात भी नहीं आएगी। उसकी स्ट्रेंथ कैसे निकालेंगे, कि इक्वल टू छोटा से पीस बना लीजिएगा, ये होता है पी इंटू टी इंटू सिग्मा टी, ये होता है पी इंटू टी इंटू सिग्मा टी होता है। ये कौन सी स्ट्रेंथ है बेटा, उस टाइम की स्ट्रेंथ है कि प्लेट में हमने रिविटिंग की ही नहीं, सॉलिड प्लेट अनरिविटिंग कंडीशन में स्ट्रेंथ कितनी, सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ इसी में होगी। बात मेरी समझ में आ रही होगी आपको, मेरी बात समझ रहे हैं आपको, बात तो पूरी आपको आसानी से समझ में ही आ रही होगी। देखिएगा अब इसको कर लीजिए, फिर हम इफिशियंसी पे चलते हैं, पैरामीटर पे, इफिशियंसी के पैरामीटर पे चलते हैं, चलिए देखते हैं। सबसे ताकतवर यही है बेटा, सबसे ताकतवर है, आइडियल इसी को मानेंगे भाई, इसको ज्यादा रिविटिंग करेंगे तो स्ट्रेंथ कम होती रहती है। देखो सबसे ज्यादा ताकतवर कब होती है प्लेट में, सबसे ज्यादा ताकतवर प्लेट कब होती है, जब प्लेट में रिविट लगाओ ही ना, इसीलिए कहते हैं जितना कम रिविट में काम चल जाए उतना बढ़िया, इसीलिए डायमंड लगाया जाता है, कम रिविट में ज्यादा एरिया घेर लेता है। समझ में आ गई नहीं है, चलो अब इफिशियंसी की हम लोग बात कर लें बेटा, अब हम लोग किसकी बात कर लें, इफिशियंसी की बात कर लें, ठीक है इफिशियंसी की बात कर लें। इसको देखिएगा थोड़ा सा, अभी तो देखिएगा इफिशियंसी की हम लोग बात कर लेते हैं। अब इफिशियंसी में जाहिर सी बात है मेरे पास तीन स्ट्रेंथ थी, देखिए पहला कौन सा निकाला था, अगर मैं सीयर के कारण इफिशियंसी निकाल लूं, किसके कारण सीयर इफिशियंसी निकाल लूं, सीयर के कारण इफिशियंसी कितनी आई, तो क्या लिखूंगा बेटा, सीयर स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, सीयर स्ट्रेंथ अपॉन उस टाइम प्लेट की स्ट्रेंथ जिस टाइम कोई रिविट ना, स्मॉल वी वैल्यू लिखा था, तो इसका क्या कितनी वैल्यू थी बेटा, इसके दो कंडीशन हो सकती है, सिंगल सीयर के लिए पाई बाई फोर डी डैश स्क्वायर इंटू एन इंटू टाउ अपॉन पी, क्या था आपका बेटा, पिच इंटू थिकनेस इंटू सिग्मा टी, ये आपकी इफिशियंसी हो गई सीयर की कंडीशन में, लेकिन यहाँ पे टू नहीं लगाया तो क्या हो जाएगा, सिंगल सीयर के कंडीशन में, सिंगल यहाँ टू लगा दोगे तो डबल सीयर की कंडीशन इफिशियंसी निकल गई। दूसरा हमने किस में निकाला था, टियरिंग वाले तो टियरिंग इफिशियंसी निकाल लेते हैं, टियरिंग इफिशियंसी क्या हो जाएगा आपका, टियरिंग इफिशियंसी क्या हो जाएगी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टियरिंग स्ट्रेंथ अपॉन उस टाइम प्लेट की स्ट्रेंथ जिस टाइम कोई रिविटिंग नहीं लगा, जिसको सॉलिड प्लेट बोलते हैं, इसका क्या निकाले थे बेटा, P माइनस डी इंटू टी इंटू सिग्मा टी, इसका क्या निकाले थे, P इंटू टी इंटू सिग्मा टी, अब ये कैंसिल आउट हो गया, ये भी कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचा, P माइनस डी अपॉन पी या P अपॉन पी माइनस डी अपॉन पी, ये कैंसिल आउट हो गया, तो वन माइनस डी अपॉन पी, ये क्या आ गया, सिग्मा टी या टियरिंग इफिशियंसी डी अपॉन पी, ये पी पी फॉर पिच है बेटा, जान लीजिएगा पिच है। अब देखिएगा वन माइनस डी अपॉन पी, डी क्या है आपका, ये डी डैश है, ठीक है, तो ग्रॉस डायमीटर अपॉन क्या है बेटा, ये ग्रॉस डायमीटर अपॉन क्या है, ये पिच है,
तो इस दोनों का अनुपात अगर दे देता है तो एक मिनट से घटा के आप टीयरिंग एफिशिएंसी निकाल सकते हो। बड़ा इंपॉर्टेंट है जेईई के लिए, इससे तक भी पूछा जाता है, बिकॉज क्वेश्चन बड़ा अच्छा बनता है ना, कहता है ग्रॉस डायमीटर तथा उसके पिच का अनुपात 0.6 है तो बताओ एफिशिएंसी कितनी होगी। तो इस दोनों का अनुपात 0.6 दे दिया तो 1 माइनस 0.6 कितना 0.4, परसेंटेज में 100 से गुणा तो कितना हो जाएगा 40% खट से आ जाएगा आंसर। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, कहीं कहीं एग्जाम में भी पूछा जाता है डायरेक्ट, आपको आई होप समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं होती होगी आई होप। तो यहाँ पे टेयरिंग एफिशिएंसी निकल गया। एक हम लोग और निकाले थे बेयरिंग, तो यहाँ जब बेयरिंग स्ट्रेंथ निकाले थे बेयरिंग एफिशिएंसी निकाल लें, तो बेयरिंग एफिशिएंसी निकालेंगे तो जाहिर सी बात है बेयरिंग स्ट्रेंथ लिखेंगे और उस टाइम प्लेट का लोड जिस टाइम पे प्लेट की स्ट्रेंथ जिस टाइम उसमें कोई रिविट लगाया ही ना गया हो तो क्या होगा, क्या लिखे थे बेटा इसका बेयरिंग के कारण डी डैश टी सिग्मा बी इंटू एन अपॉन ई क्या था आपका पी इंटू टी इंटू सिग्मा टी कैंसिल, तो कुछ तो ये कैंसिल आउट हो सकता है बस, तो क्या डी डैश सिग्मा बी एन अपॉन पी इंटू सिग्मा टी सी एम। तो कहने का मतलब उस प्लेट में तीन कंडीशन में हमें एफिशिएंसी निकाल दिया, शेयरिंग एफिशिएंसी, टेयरिंग एफिशिएंसी और बेयरिंग एफिशिएंसी, इसको मैंने आपको डिफाइन करके बता दिया। लेकिन कुछ एक एफिशिएंसी पे को एक एफिशिएंसी में भी तो सारे को कन्वर्ट किया जा सकता है, उसका नाम है ओवरऑल एफिशिएंसी। क्या ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ रिविटेड जॉइंट या एफिशिएंसी ऑफ रिविटेड जॉइंट ये बोला जाता है, तो इस चीज को हम लोग निकाल लेते हैं। देखिए रफ करता हूं बेटा, आई होप इसको समझ में आया होगा आपको। क्या निकालेंगे बेटा इफिशियंसी ऑफ रिविटेड जॉइंट। अब बेटा ये इफिशियंसी ऑफ रिविटेड जॉइंट या ओवरऑल इफिशियंसी तो ये कैसे निकालते हैं, देखिएगा कैसे निकालेंगे। अब तीन स्ट्रेंथ हमने निकाली थी, उस तीन स्ट्रेंथ में जो सबसे मिनिमम होगा उसी को चूज करेंगे, वो चाहे आपका आपका शेयरिंग हो चाहे टेयरिंग हो और चाहे बेयरिंग हो, उसका मिनिमम अपॉन उस टाइम कौन सा, ये बेटा ये कौन सी थी, ये सॉलिड प्लेट की थी, ये सॉलिड प्लेट का स्ट्रेंथ है और इस तीनों स्ट्रेंथ में जो सबसे मिनिमम आएगा एक चूज कर रहे हैं, जो सबसे मिनिमम आएगा वो आपका अंश में रहेगा और नीचे आपका क्या रहेगा उस टाइम की स्ट्रेंथ जब प्रिविट ना लगाया गया हो, मतलब ये सॉलिड प्लेट की स्ट्रेंथ, दोनों को डिवाइड कर देंगे तो ओवरऑल इफिशियंसी मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी आप लोग ओवरऑल इफिशियंसी। कुछ बच्चों का क्वेश्चन है सर आप मिनिमम ही कहें चूज किए, देखो मिनिमम बेटा इसलिए चूज किए क्योंकि हम लोग जो डिज़ाइन करते हैं ना, जो हम लोग डिज़ाइन करेंगे तो सबसे मिनिमम जो वैल्यू होता है उसी की बिहा पे अपने दिमाग में नज़र रखे रहते हैं, अपने दिमाग पे रखे रहते हैं, क्योंकि जो मिनिमम है जो कमज़ोर है उसी की बिहा पे तो हमें डिज़ाइन करना पड़ेगा, जो मजबूत है उसको क्या मजबूत देना, जो मिनिमम होगा उसी की बिहा पे हम लोग डिज़ाइन किया जाते हैं, मिनिमम चूज़ होता है। मेरी बात समझ रहे हैं, देखिएगा ये हाई आप एफिशिएंसी निकाल लिए होंगे तो फिर हम लोग आगे चलते हैं। रफ करूं चलिए एफिशिएंसी आपने निकाल लिया, अलग अलग एफिशिएंसी निकाल लिया और पूरे ओवरऑल का भी आपने आराम से निकाल लिया, तो फिर हम लोग क्या करें अब आगे चलते हैं। देखिएगा अब देखिएगा एक टर्म्स इसमें और आता है बेटा रिविट वैल्यू, क्या होता है रिविट वैल्यू, एक टर्म्स आता है रिविट वैल्यू क्या होता है, देखिए रिविट का नाम है, क्या है रिविट का नाम है, और जो तीन स्ट्रेंथ आप पढ़े हो ना उसमें दो तो रिविट के बारे में था स्ट्रेंथ, एक प्लेट के बारे में स्ट्रेंथ था, तो दो आपका रिविट के बारे में स्ट्रेंथ था, क्या था एक आपका शेयरिंग इन रिविट और एक बेयरिंग इन रिविट, एक बेयरिंग क्रशिंग इन रिविट, इस दोनों में जो मिनिमम होगा बेटा इस दोनों में जो मिनिमम होगा वही रिविट वैल्यू की वैल्यू होगी, किसकी वैल्यू होगी रिविट वैल्यू की वैल्यू होगी। अब कई बच्चे देखो यार जो एग्जाम में गलत होता है ना, कुछ लोग यहाँ पे कुछ बच्चे यहाँ पीएस के साथ पीटी लिख देते हैं या पीबी के साथ पीटी लिख देते हैं, तो वो रट्टाफिकेशन इसलिए क्यों इसमें पीटी लाते हैं, पीटी इसलिए ले आते हैं क्योंकि उनको थोड़ा सा उनको कॉन्फिडेंस और चाहिए कि बेटा जो रिविट वैल्यू है रिविट की बात की और रिविट की कंडीशन जो होती है वो शेयरिंग और बेयरिंग में होती है, टेयरिंग की कंडीशन प्लेट में रहता है, फटता प्लेट है इसे टेयरिंग की बात नहीं, रिविट वैल्यू में क्या आएगा पीटी की वैल्यू नहीं आएगी, इस बात को आप ध्यान रखिएगा ठीक है। तो ये रिविट वैल्यू हो गया, लिख लीजिएगा फिर आगे चलते हैं, रफ करूं बेटा चलिए। देखिएगा एक टर्म और है
नंबर ऑफ रिविट, अगर ये लगाना हो कि ये निकालना हो कि प्लेट में कितनी वैल्यू निकली है, क्या सॉरी कितनी रिविट लगाना है, अगर ये पता करना हो कि रिविट में सॉरी प्लेट में कितना रिविट लगाना है, नंबर ऑफ रिविट, तो नंबर ऑफ रिविट कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ रिविट इक्वल टू आप फोर्स जो भी अप्लाई हो रहा है टेंसाइल नेचर का, जो भी जिस नेचर का, और अपॉन रिविट वैल्यू। अब यह पीछे लिखे होते हैं आरबी जो है आपका, ये रिविट वैल्यू है, तो जो भी फोर्स आपका ऊपर दिया है बेटा उसमें रिविट वैल्यू से डिवाइड कर देंगे तो क्या निकल जाएगा आपका, नंबर ऑफ रिविट निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा आपका, आपका फाइंड आउट हो जाएगा नंबर ऑफ रिविट। आई होप आपको समझ में आया होगा अच्छे से, आया कि नहीं है बताइए, आया कि नहीं, चलिए ठीक है, आई होप आपको क्या होगा समझ में आया होगा। तो आपको रिविटेड जॉइंट फेलियर जो 6 टाइप का होता था उसके बारे में भी आपको मालूम है, 3 तो हम लोग बचा ले गए हैं प्रॉपर एज डिस्टेंस देखें, 3 नहीं बचा पाए तो उसके बस बिहाफ पे हम लोग क्या उसकी स्ट्रेंथ देखें कितनी है, उसके बाद उसमें से सबसे कम उसी बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं डिज़ाइन करते हैं, सबसे कम उसकी बेसिस डिज़ाइन करते हैं उसे, तीनों की हमने इफिशियंसी भी क्या किया बेटा, हमने तीनों की इफिशियंसी भी निकाला कि नहीं निकाला, हमने तीनों की इफिशियंसी को कैलकुलेट किया, उसके बाद ओवरऑल इफिशियंसी या रिविट जॉइंट की इफिशियंसी को भी हम लोग फाइंड आउट किए आपके सामने ही, उसके बाद हम लोग क्या निकालें रिविट वैल्यू निकालें, जो मिनिमम 2 होता है, एक आपका शेयरिंग का स्ट्रेंथ और एक आपका बेरिंग या क्रैशिंग, जो चाहे बेरिंग का चाहे क्रैशिंग, बेरिंग का स्ट्रेंथ इस दोनों में जो मिनिमम होगा वो रिविट वैल्यू होगी, और रिविट वैल्यू की हेल्प से क्या करेंगे हम लोग नंबर ऑफ रिविट निकालेंगे, नंबर ऑफ रिविट जो होगा वो फोर्थ अपॉन रिविट वैल्यू होगी, यहां से हम लोग रिविट वैल्यू को क्या कर सकते हैं या सॉरी नंबर ऑफ रिविट को फाइंड आउट कर सकते हैं कि कितनी रिविट की हमारी जरूरत पड़ेगी उस सेक्शन में लगाने के लिए, प्लेट सेक्शन में। तो आज आई होप आपको समझ में आया होगा, हम लोग जो नेक्स्ट पार्ट लाएंगे चौथा पार्ट आई होप था, ये आपका चौथा पार्ट था, जो अपन लोग पांचवा पार्ट पढ़ेंगे, ये तो चौथा पार्ट था, जो अपन लोग पांचवा पार्ट पढ़ेंगे उसमें हम लोग जो 4 पार्ट का है करीब ये, तो इसमें से मैं क्वेश्चन एक भी नहीं कराया हूँ ना आपकी स्क्रीन पे डाला हूँ क्वेश्चन, क्योंकि इसको क्वेश्चन में लाइव करा दूंगा, साथ साथ में स्क्रीन पे देखेगा साथ साथ में सॉल्यूशन भी बनाऊंगा। तो इस टॉपिक का जो प्रीवियस ईयर थोड़ा वो क्वेश्चन, तो मैं 3 पार्ट में सारा क्वेश्चन तो आपको डाल ही दिया हूँ, अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो थे, और कल जो क्वेश्चन है मैं करा के मिला के कराऊंगा गेट ESC और जो भी SSC JEE का, इसी टॉपिक पे कराऊंगा जो नेक्स्ट टॉपिक मतलब जो नेक्स्ट पार्ट होगा इस टॉपिक पे, थोड़ा सा पीछे टॉपिक का मिला के मैं सारा जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है उसको करवा दूंगा। अगर आप अच्छे से पढ़े होगे तो क्वेश्चन आसानी से लग जाएगा, बाउंस नहीं करेगा, आप चाहे जिस लेवल के एग्जाम हो, मैं बार बार बता रहा हूँ, आप जो टाइम है उसका सही यूटिलाइजेशन करिए, बेस्ट स्टडी करिए, ठीक है, बिकॉज आपका जो भी है अभी तो सारे केसेस तो अभी बहुत ज़्यादा रिलैक्स तो नहीं है, अभी तो बढ़ते ही जा रहे हैं इंडिया में अपने केसेस, लेकिन आई होप आगे सही होंगे, और जैसे ही सही होंगे सारा अपना धीरे धीरे अपने पटरी पर आता जाएगा, और वैसे भी जुलाई में प्लानिंग है, अगर ठीक ठाक सिचुएशन रही तो जुलाई में आप लोग का है जितना भी एग्जाम रुका है, चाहे वो सेमेस्टर हो या फिर आपका इंजीनियरिंग VT डिप्लोमा इंजीनियरिंग हो या फिर आपका नीट का एग्जाम हो, जो भी JEE मेंस का हो, जो हुआ है जो नहीं हुआ है वो सारा स्टार्ट होगा जुलाई से। तो इस कॉन्सेप्ट को सही से पढ़िएगा, नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग लाएंगे वो उसमें क्वेश्चन आंसर सेशन का करेंगे और उसमें बड़ा मजा आने वाला है, ठीक है, ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ओके, थैंक यू।